सभी साथियों को जैक्सान। साथियों, आज 28 तारीख है और दिन है शुक्रवार। जैसा कि रोज अपने इस समय फसलों के भाव के ऊपर चर्चा करते हैं, आज भी चर्चा करेंगे। नए नरमे के अंदर बड़ी खबर है, जो अंदेशा मैंने आज से 7-8 दिन पहले लगाया था, वो उसके ऊपर जो है काम होना शुरू हो गया है। एक तो ये खबर, दूसरी बात, सरसों के अंदर तेजी है और ठीक ठाक तेजी बनी है। आज बहुत बड़ी तेजी नहीं है, लेकिन 100 रुपए की तेजी बनी है। जौ तेज है, गेहूं भी तेज है और नरमे के अंदर भी तेजी है, और ग्वार स्थिर कह सकते हैं, आप तेज कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। जितने भी साथी जुड़े हो, आप सबसे निवेदन कि वीडियो को आगे बढ़ा दें ताकि और साथी जुड़ जाएं। निउन प्रणाम राम सिंह जी भाई साहब, सभी को जैक्सान। जितने भी साथी जुड़े हैं सबको जैक्सान, और साथी जुड़ जाएं, चर्चा शुरू करेंगे। नरमे की जो खबर है उसके ऊपर लास्ट में चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा करते हैं ग्वार के ऊपर। ग्वार के अंदर आज थोड़ा सा रुख ठीक बनता हुआ नजर आया है और लग रहा है कि थोड़ा सा एक ठीक माहौल जो है ग्वार के अंदर बन सकता है। और ग्वार की तेजी जो है वो रिकवर्ड तेजी है, वो धीरे धीरे आने वाली तेजी है, और ग्वार के अंदर स्टेबिलिटी है, मजबूत है, फंडामेंटल अच्छा है, लेकिन तेजी नहीं बन रही है। उसका कारण मैंने आपको पहले भी बताया था, अब भी बता रहा हूँ कि ग्वार के अंदर बेचने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, खरीदने वाले लोग बहुत कम हैं। जब तक बाहर के किसी कंट्री से बहुत बड़ी ग्वार गम की डिमांड नहीं आती है, तब तक ग्वार की तेजी जो है ऐसे ही धीरे धीरे करके साथियों चलेगी। गोपी सारस्वत जी, आपने वीडियो को शेयर किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी साथी शेयर करेंगे सबका भाई बहुत धन्यवाद। तो ग्वार के भाव की बात करें, आज बहुत बड़ी तेजी नहीं थी, हालांकि फंडामेंटल मजबूत था, अच्छी तेजी थी। एलनाबाद 6000, संगरिया 6070, नोहर 6100, रावसर 6110, सिरसा 6062, आदमपुर 6100 रुपये आ साथियों ग्वार बिका है। सभी साथियों से निवेदन है, नए नरमे के अंदर एक खबर है, लास्ट में चर्चा करेंगे। तब तक सारे साथी वीडियो को आगे बढ़ा दें ताकि और भाई साथ में जुड़ जाएं। जौ के अंदर आज ठीक तेजी बनती हुई नजर आई है। जौ आज जो है 3060 रुपए तक बिका है रायसेन नगर के अंदर, बट्टू के अंदर 2755, संगरिया के अंदर 2825, एलनाबार के अंदर 2950 रुपए साथियों आज जौ बिका है। तो जौ का फंडामेंटल मजबूत है, बहुत बड़ी तेजी जौ में बनती हुई नजर नहीं आ रही। इक्का दुक्का मंडियों के अंदर तेजी जौ की बन रही है और जौ अब है नहीं, कम ही जौ है, बहुत ज्यादा किसानों के पास जौ साथियों पड़ा नहीं, क्योंकि किसान लोग जौ को रखते नहीं है, ये एक रीजन है। बात करें गेहूं की, तो भाई गेहूं भी आज जो है 2921 रुपए बिका है। सुनने में शायद आश्चर्य लग रहा होगा, 2921 रुपए गेहूं बिका है, 1482 गेहूं था वो, बहुत बड़ी डेयरी नहीं थी, मेरे ख्याल से 40-42 क्विंटल की डेयरी थी, और रायसेन नगर मंडी है राजस्थान की, उसके अंदर गेहूं जो है 2921 रुपए साथियों बिका है। रावड़ा के अंदर भी 2758 रुपए तक, 2750 रुपए तक जो है आज गेहूं बिका है। तो गेहूं के अंदर भी लगता है कि थोड़ा बहुत तेजी जो है बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन एकदम से बहुत बड़ी तेजी साथियों गेहूं के अंदर भी नहीं बनेगी। वही है, डिमांड अच्छी है, सरकार के जो टारगेट थे, सरकार ने जो सोचा था कि हम लोग इतना गेहूं सरकारी रेट MSP जिसको अपने बोलते हैं उस पर खरीद लेंगे, वहां तक सरकार अभी उसके आधे रास्ते तक भी नहीं पहुंची है साथियों। तो गेहूं के अंदर जो है एक थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन बहुत बड़ी तेजी गेहूं में साथियों अभी भी, खास करके इस महीने में तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये बात तो 1.5-2 महीने पहले मैंने बोली थी कि अप्रैल और फर्स्ट वीक ऑफ मई, तब तक जो है बहुत बड़ी तेजी साथियों नहीं बन सकती गेहूं के अंदर, लेकिन एक तेजी बन रही है, रुख फंडामेंटल एक मजबूत हो रहा है, वो अच्छी चीज है, वो अच्छा साइन है। और गेहूं काफी किसान भाइयों ने रोक भी रखा है, ऐसी भी खबरें आती है कि गेहूं काफी साथियों ने रोक रखा है। तो गेहूं के साथियों के लिए ठीक खबर है, अच्छी जो है तेजी बनती हुई साथियों नजर गेहूं के अंदर आ रही है। सरसों के ऊपर चर्चा करते हैं, लास्ट में चर्चा करेंगे नरमे, जो नया नरमे का सीजन है उसके ऊपर, क्योंकि कल भी और परसों भी मैंने एक बात चेताई थी, बार बार मैंने एक डर जताया था कि किसानों को ये नुकसान हो सकता है, उस नुकसान के बारे में बात करेंगे। देखिए, सरसों के अंदर आज फिर तेजी थी,
100 से लेके 130 रुपए तक की तेजी साथियों आज सरसों के अंदर थी। सभी जो बड़े प्लांट्स हैं सबने 100 से लेके 150 रुपए तक के जो है भाव अपने बढ़ाए हैं और अच्छी एक तेजी बनती हुई नजर आई। कारण साफ है, वही इंडोनेशिया जो नंबर वन एक्सपोर्टर है पूरे वर्ल्ड का, सबसे ज़्यादा वो तेल जो है एक्सपोर्ट करता है, उसने जो है अपना पूरा एक स्टिक डिसीजन ले लिया है कि हम लोग कम से कम 28 दिन तो बिल्कुल भी जो है तेल किसी देश को नहीं बेचेंगे। तो उससे बिल्कुल ये फ़र्क पड़ना ही था और वो फ़र्क पड़ रहा है। और सरसों के जितने भी साथी हैं उनको बता दूँ कि ये जो आप भाव देख रहे हैं इनसे नीचे बड़ी मंदी आपको देखने को शायद नहीं मिलेगी। देखिए, 2-3 दिन में 100-100 रुपये सरसों डाउन हुई थी, तब भी मैंने बोला था कि क्योंकि मंदी नहीं है, ये भावों का उतार चढ़ाव है। मंदी किसको बोलते हैं, जब एक दिन के अंदर 400-500, जैसे पिछली बार क्या हुआ था, सरसों 7800 रुपये बिक्री थी, एकदम से सरकार का डिसीजन आया, सरकार ने बोला कि हम लोग इसको वायदा से बाहर कर रहे हैं। सरसों 7800 से धड़म 6200-6300 वो होती है मंदी, उसको बोलते हैं बहुत बड़ी गिरावट भाव के अंदर। तो अभी कोई गिरावट नहीं है, ये उतार चढ़ाव है और लगता है कि ये उतार चढ़ाव जो है जल्दी रुकने वाला है और सिर्फ ये चढ़ाव चढ़ाव ही रहेगा, उतार अभी जो है ज़्यादा नहीं बनेगा। पुनः आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप सब लोग सौदा अपने विवेक से करें। मुझे जो जानकारी मिलती है, जितने एनालिस्ट मिलते हैं, स्टडी करके आपके सामने रखता हूँ साथियों, सौदा आपको अपने विवेक से करना है। और इस वीडियो को सारे साथी आगे शेयर कर दें, नरमे के ऊपर चर्चा करते हैं अब अपने सरसों के भाव बताने के बाद। और एक अपना YouTube चैनल है किसान राजा हिर, वहाँ भी सारे साथी जरूर जुड़ना, क्योंकि दिन में जो है अपने वहाँ पे फसलों के भाव की जानकारी देते हैं। सरसों के साथियों के लिए एक लास्ट लाइन बता दूँ, कहीं घबराहट करने वाली जरूरत नहीं है, कहीं ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, और सरसों के अंदर रुख जो है अच्छा आपको बनता हुआ नजर आएगा साथियों। एकदम से बड़ी तेजी भी नहीं आएगी, बहुत बड़ी तेजी यानी कि 400-500 की तेजी भी नहीं आएगी, और ड्रॉप डाउन भी जो है वो 100-200 से ज़्यादा नहीं आएगा, रिकवर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सभी साथियों को जैक्सन, जिन भाइयों ने वीडियो को शेयर किया उनको दिल से धन्यवाद। आप सब लोग जो है मेरा काम आसान करते हैं, क्योंकि मेरा काम सिर्फ वीडियो बनाना है, आप लोग जो दूसरे भाइयों के लिए वीडियो लेके जाते हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सरसों के भाव की बात करें, रावड़ा के अंदर 7055 रुपये, रायसेनगर 7200 रुपये, संगरी 7180, सिरसा के अंदर 7070 रुपये इम्प्रूव हुआ यहाँ पे रेट, नोहर के अंदर 7130, अलवर के अंदर 7100 रुपये, बीकानेर 6450, यहाँ भाव मंदे हैं, निवई के अंदर 7300, टोंक 7270, हिसार 6830, जयपुर कंडीशन 7410 पे पहुंची है आज, भरतपुर 6920, यहाँ भी थोड़ा सुधार है, सलोनी ने आज 7850 रुपये अपना जो है भाव रखा है। तो एक इम्प्रूवमेंट सरसों के अंदर आज अच्छी हुई है और सरसों के जो भाव हैं वो ठीक साथियों आज बने हैं। बात करते हैं नरमे की। देखिए, थोड़े दिन पहले सरकार ने एक डिसीजन लिया था कि हमारे देश के अंदर नरमा कम है, इस बार हमारा जो पिछली बार जो नरमा था वो कमज़ोर रह गया था, तो सरकार ने ये डिसीजन लिया था कि हम लोग बाहर से आने वाला नरमा, इसको आयात बोलते हैं हम लोग, बाहर से आने वाले नरमे के ऊपर उन लोगों ने 11% का जो टैक्स था उसको रिमूव किया, कंप्लीट रिमूव किया, पूरा ख़त्म किया और उसको 0% कर दिया। यानी कि कोई बाहर से व्यापारी लेके आएगा तो उसको सिर्फ जो है शिपिंग का किराया लगेगा और जो रेट वो मांगेंगे नरमे का वो वहां मिलेगा और एक्स्ट्रा टैक्स उसको कोई नहीं लगेगा। मैंने उसी दिन एक बात बोली थी, हालांकि वो कम समय के लिए लगाया, सरकार का कहना ये था कि नई फसल जब आएगी हम लोग ये जो है टैक्स जो है उसको वापिस लागू कर देंगे। पहली चिंता मैंने उसी दिन जाहिर की थी वो ये की थी कि ये टैक्स लागू हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। दूसरी चिंता ये जाहिर की थी लागू हो और 11% ही वापिस हो, कहीं ये ना हो कि 6% को घटा के सरकार जो है उसको 6% घटा के 11 से 6 घटा के उसको 5% पे ले आए, वो मेरी एक चिंता थी। दो, तीसरी चिंता आज सरकार की तरफ से नहीं दे दी गई है, वो चिंता क्या है, सरकार ने ये बोला है कि अगर हमें लगा कि जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं एक्सपोर्ट करते हैं सॉरी जो हम लोग बाहर बेचते हैं नरमा उसके ऊपर हम लोग कंप्लीटली जो है बैन लगाने की तैयारी सरकार कर रही है, ऐसा एक खबर आज साथियों आई है।
देखिए इस बार की कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे पास नरमा है नहीं, और हम लोग जो है नरमा बाहर बेच नहीं पाए इस बार, क्योंकि हमारी घरेलू जो आपूर्ति थी वही पूरी नहीं हुई। हमारे व्यापारी तो बाहर से लेके आ रहे हैं सरकार से मंजूरी लेके कि टैक्स फ्री कर दो। भगवान करे अगली बार नरमे की फसल बंपर हो जाए, और होनी चाहिए, हो जाए। एक तो टैक्स रिमूव कर दिया बाहर से आने वाले नरमे के ऊपर, दूसरी अगर ये पाबंदी लग गई कि भाई नरमा हम लोग बाहर के देश को नहीं बेचेंगे, जो हमारे व्यापारी है वो बाहर के देशों को नहीं बेचेंगे, बिल्कुल उसका दबाव बनेगा, 101% उसका दबाव बनेगा। या तो ये हो जाए कि ना तो बाहर बेचेंगे और ना तो बाहर से लेंगे, फिर जो हमारे देश की प्रोडक्शन है जो उसके अनुसार जो है पूरा जो है माहौल चलेगा, और जितना हमें चाहिए उतना जो है मिलता रहेगा। दलील ये दी जा रही है कि कपड़ा महंगा हो रहा है, खादी जो है सूती धागा जो है पिछले साल 190 रुपए था और अब जो है 280 रुपए बताया जा रहा है। दलील इसके बारे में ये दी जा रही है, और कहा जा रहा है कि टेक्सटाइल की जो लोग हैं उनकी लगातार मांग है कि सरकार जो है नरमे को बाहर ना भेजे। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम एक किसान होने के नाते हम लोग ये कहते हैं कि हमें कोई परेशानी नहीं है बाहर सरकार ना भेजे, लेकिन कम से कम बाहर से लेके भी तो नहीं आए, क्योंकि प्रायोरिटी जो है वो हमारे किसान की होनी चाहिए। हालांकि उतना हम लोग प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, लास्ट ईयर नहीं कर पाए थे, इस बार भी देखिए अभी नहरों की स्थिति भी थोड़ी खराब है, कितना हम लोग उसकी प्रोडक्शन करते हैं वो भी एक आंकड़ा लेना पड़ेगा हमें। लेकिन अगर सरकार इस डिसीजन के ऊपर खड़ी रहती है कि हम लोग बाहर से आने वाले नरमे के ऊपर तो टैक्स लगाएंगे नहीं, व्यापारी कितना मर्जी ला सकते हैं, और यहां से हम लोग नरमा जो है बेचेंगे नहीं, तो भाई फिर एक दिक्कत आ सकती है। पिछले साल लगभग 68 लाख टन नरमा हम लोगों जो भारत ने हमारे देश ने बाहर बेचा था, और इस बार 83 लाख, तो बाहर तो गया था, बाहर गया था तो यहां डिमांड बनी थी और बढ़ी थी, प्रोडक्शन कम हो गया, ठीक है बाहर से फिर लाना एक मजबूरी हो गई, लेकिन जो आयात शुल्क भाई घटाया है 11% घटाया है, 11% ही वापिस लगाया जाए उसको, और निर्यात के बाहर देश को बेचने के लिए अगर हमारा सिस्टम जो है यहाँ पूरा हो जाता है, हमें जितनी हमारे देश के अंदर प्रोडक्शन चाहिए वो कंप्लीट हो जाती है, तो उसके अंदर बाहर नरमा बेचने के लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सरकार को ऐसा बैन कोई नहीं करना चाहिए। तो ये एक बड़ी खबर है जो मेरी चिंता थी। 3-4 दिन पहले मैंने कहा था कि जब अब, हालांकि ये थोड़ी सी एक टेढ़ी बात है मेरी आदत, मैं कर देता होता हूँ, किसी को बुरी लगे तो लगे, क्योंकि जब सरकारें कॉरपोरेट के पक्ष में कोई फैसला ले लेती हैं तो उस फैसले को रिवाइज करना, वापिस लेना बहुत मुश्किल बात होती है। किसान के खिलाफ कोई फैसला ले लिया तो उसको वापिस लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर कॉरपोरेट के पक्ष में कोई फैसला ले लिया तो फिर उसको वापिस लेने में बड़ी दिक्कतें होती हैं। वही डर सता रहा है कि कहीं 11% से टैक्स 5% नहीं हो जाए, और कहीं बाहर नरमा बेचने के ऊपर जो है प्रतिबंध नहीं लग जाए। तो इसके ऊपर भी आप सबको भी भाई नजर रखनी है, और आप सब भी इसकी गौर करें, आप सब भी सोशल मीडिया के ऊपर इसकी आवाज उठाएं, और हमारा फर्ज बनता है, हम लोग 500-700 रुपए महीने के रिचार्ज के ऊपर लगाते हैं, किसान के बेटे हैं, तो हमें भी जो है इसकी आवाज उठानी चाहिए। जितने भी भाइयों ने वीडियो को शेयर किया उनका बहुत धन्यवाद, जो साथी रह गए आप भी इस बात को बाकी भाइयों तक पहुंचाएं, तो ताकि सबको पता लगे ये बात और एक आवाज उठे कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। आज नरमे के भाव की बात करें तो ठीक तेजी बनी है, लगभग 200 से 250 रुपए जो आम मंडी है उनके अंदर तेजी बनी है। सिरसा के अंदर लगभग 12,000 रुपए नरमा बिका है, एलनाबाद के अंदर 11,565 रुपए बिका है, और जो है आदमपुर के अंदर 12,000 रुपए नरमा आज साथियों बिका है। तो बहुत बड़ी तेजी तो एकदम से नहीं लग रही है। चने के बारे में राकेश जी पूछ रहे हैं, राकेश जी चने के बारे में बता दूं, कल भी बताया था दिन में, जो अपना यूट्यूब चैनल है किसान राजा हेयर, वहां भी बताया था, और सारे साथी वहां जुड़ जाना भैया आप भी, और क्योंकि नरमे इसके चने के अंदर बहुत बड़ी तेजी साथी इस महीने के अंदर नहीं है, अगले महीने के अंदर आपको भाव की जानकारी साथी दे दी जाएगी। आप सब लोग अपना समय निकालते हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे कल 11 बजे यूट्यूब चैनल किसान राजा हेयर के ऊपर, और कल शाम को यहां पर लाइव। तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद।